goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. मैंने पहले आपको शाम का टाइम दिखाया था, लेकिन अभी मैं आपको दिन में एक बार दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को सही से पता लग सके। ये है पूरा इलाका जैसे कि आप देख रहे हैं। ये है स्टाफ एकोमोडेशन। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, मैं आपको इसके अंदर का दिखाऊंगा कैसा है, कैसे एकोमोडेशन दे रखी है कंपनी ने, कैसी एकोमोडेशन है। ये है पूरा विला, आप लोगों ने तो हज़ार बार देखा होगा कि दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर कैसा अकोमोडेशन मिलता है। लेबर अकोमोडेशन आप लोगों ने देखा होगा। इसको पहले बंद कर देते हैं गेट को, वरना बिल्ली आ जाएगी। यहाँ पे कुत्ते नहीं है, यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बिल्लियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इंडिया में या पाकिस्तान में कुत्तों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्ली हैं, बिल्लियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। ये है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे एक रूम है। ये एक रूम हो गया, दूसरा रूम यहाँ पे है। बाकी आगे चलेंगे तो यहाँ से स्टेयर्स है फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक जाने के लिए, छत पे जाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है, फिर यहाँ पे आ जाता है दूसरा रूम। और इन दोनों रूम्स के लिए एक कॉमन बाथरूम है। बाथरूम में कोई सा भी ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बॉयज अकोमोडेशन है। इतनी गंदगी फैला रखी होती है कि मैं इसको अपने वीडियो में कैप्चर नहीं करना चाहता। ये किचन है, किचन की भी हालत वैसी ही है। वैसे तो चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है कंपनी ने, अकोमोडेशन बहुत अच्छा दे रखा है, लेकिन एज यू नो कि बॉयज़ अकोमोडेशन है तो ये कैसा रहने वाला है। ये अवन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक अपना इंडक्शन है, ये दो वॉशिंग मशीन है, किचन में भी एसी है, पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक जार है, डिश वॉशिंग एरिया, आरओ वाटर, इंडक्शन और माइक्रोवेव। उसके साथ साथ ये सारे कपबोर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, चाहे किचन हो या बाथरूम हो, हर जगह सेपरेट गीज़र लगा हुआ है, ताकि अगर आपको ठंडा पानी यूज़ करना हो, गर्म पानी यूज़ करना हो, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुबह के 8-9 बजे के बाद से अमूमन गर्म पानी ही मिलता है, चाहे आप टंकी का पानी यूज़ करो या फिर आप गीज़र का पानी यूज़ करो, ठंडा पानी आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है स्टेयर्स, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा भी रूम है, मैं अपना भी रूम दिखाऊंगा, बाकी दिखाऊंगा कि और इसको कैसे डिज़ाइन कर रखा है, कैसे हमारा जो अकोमोडेशन का फर्स्ट फ्लोर है वो कैसा दिखता है। ये है मेन लॉबी एरिया, जहाँ पे ये शू रैक वगैरह और ये थोड़ा बहुत स्टोर के लिए एक छोटा सा अलमीरा दे रखा है, जिसमें फालतू के कबाड़े ही यूज़ होते हैं ज़्यादातर। एक रूम ये है, दूसरा ये है, और एक ये बाथरूम है जिसके अंदर मैं बिल्कुल भी लेके नहीं जाऊंगा मैं आपको। थर्ड फोर्थ रूम मेरा है। एक बार फिर से मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा है फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद। ये रूम है, ये रूम है, ये बाथरूम है, ये छोटा सा लॉबी एरिया, फिर इधर रूम है, इधर रूम है, इधर ये बाथरूम है, एक और इस रूम के अंदर अटैच बाथरूम है। ये मेरा रूम है, इसको ओपन करके दिखाते हैं एक बार। ये भी वैसे ही बिखरा ही पड़ा है वैसे, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। कुछ ऐसा है ताकि लोगों को पता लग सके कि मैं लेबर कैंप के अलावा भी जो यहाँ की अकोमोडेशन है, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि कोई भी किसी भी जॉब पे जाता है वो ऐसे ही रहता होगा जैसे लेबर कैंप में दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। अकोमोडेशन अच्छे भी मिलते हैं,
लेकिन डिपेंड करता है अपने हिसाब से कि आप उसको कितना मेंटेन करके रख सकते हैं। ये अकोमोडेशन काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, चाहे मेरी रूम की बात कर लें या फिर पूरे अकोमोडेशन की बात कर लें, पूरे विला की बात कर लें, चारों तरफ सब कुछ बिखरा ही हुआ है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का करने का और अच्छे से मेंटेन रखने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वॉल पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा रखी हैं और भी काफ़ी फ़ोटोज़ अभी लगानी बाकी हैं यूरोप की, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है और उसको मैं अभी इस वाले वॉल पे यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। ये फ्रिज है छोटा सा जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है, बाकी फ्रिज के ऊपर ये लाइट है जिसको रात में हम जलाते हैं मेन लाइट बंद करने के बाद। किसी भी कलर में आप इसको लाइट जला सकते हैं। अभी ये ज़्यादा अच्छे से शायद आपको शो हो रहा होगा, चलिए अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वो फ्लोर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ की अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो कुछ ऐसा दिखता है फर्स्ट फ्लोर रात के टाइम में। अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी है, वरना अगर जब रोशनी नहीं होती है तो कुछ ऐसा दिखता है काफ़ी खूबसूरत। हर टाइम हम इसको दिवाली वाला टाइम बना के रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी कोशिश करते हैं कि इसको मेंटेन रखें, लेकिन रख नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन चार नहीं, यहाँ पे कम से कम 15 बॉयज़ रहते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी के। कुछ लोग श्रीलंका के हैं, कुछ नाइजीरिया के हैं, कुछ इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं। इधर एक और बाथरूम है, उसको भी दिखाना शायद एम्बेरसिंग होगा। यह है छत, ये देख सकते हैं आप छत से जो व्यू है ना, काफी प्यारा व्यू है। आपको पीछे थोड़ी शोर भी आ रही होगी क्योंकि मैंने कोई भी माइक यूज नहीं किया हुआ है, कोई भी मैं हेडफोन भी यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस ब्यूटी को देखिए बस, क्या बात है। ये है अबू धाबी का मेन सेंटर पॉइंट जो कि हर जगह हर फोटो में हर वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। ये तीन बिल्डिंग जो एक साथ है ना, ये है सबसे मेन। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, शायद आपको दिख पाए। ये जो दो बिल्डिंग है ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसके नीचे मेन हब है जिसमें मॉल है। ये रेसिडेंशियल है, हाँ ये जो छोटा वाला बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल है, और ये जो बड़ा वाला बिल्डिंग है ये ऑफिसेज हैं। तो एक रेसिडेंशियल और एक ऑफिस और बीच में मॉल, तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये। कहते हैं कि जो इसमें रहते हैं, जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में यहाँ पे रहते हैं, वो अपने बाथरूम के शीशे से बगल से फ्लाइट निकलते हुए देख सकते हैं। क्या बात है, कितना खूबसूरत नज़ारा होता होगा वो, बाथरूम हो या बेडरूम हो। पता चला बेड पे सोए हुए हैं, बगल में खिड़की है और वहाँ से आप बगल से फ्लाइट निकलते हुए देख रहे हैं, बर्ड्स निकलते हुए देख रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा होता होगा वो। चलिए अभी के लिए इतना ही, यही है अकोमोडेशन। हमेशा जो ये YouTube पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए, इंडिया से जो आए हुए लोग हैं उनसे उनके लिए, मतलब जो थोड़ा ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि मतलब यहाँ पे कोई आना पसंद ही ना करे UAE के अंदर।